हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि आरबी एनसीपीसी की तैयारी हम करा रहे हैं अपने चैनल पे, और मेरे कई टॉपिक आ चुके हैं, आप अपने प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज चल रही थी, पार्ट वन में आ चुका था दोस्तों, ये मेरा पार्ट टू है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट टू। दोस्तों, कई लोग हमसे मेल पे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि सर कन्फ्यूज़न हो रहा है कैसे करना है पीडीएफ के लिए। बहुत ही अच्छी दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने अपना नंबर भी दे दिया है कि इस नंबर पे आप पेमेंट कर दें। आप प्लीज़ वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सारी आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा करें, 24 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिल जा रही है, बहुत से लोगों को मिल भी चुकी है। हम 24 घंटे के अंदर इंश्योर करते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए। एक्चुअली रिक्वेस्ट में ज़्यादा रहती है कि थोड़ा टाइम लगता है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग डिटेल में आपको मतलब बताएंगे चीज़ें, मतलब कि जो जो रिक्वेस्ट आती है उसको हम लोग, हमारी टेक्निकल टीम है वो उसको देती रहती है। अगर आप कोई रिक्वेस्ट रात में करते हैं तो सुबह तक इंश्योर करते हैं कि सुबह 11-12 बजे तक आपको पीडीएफ मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स पार्ट टू। फ्रेंड्स देखिए, इंडियन इकोनॉमिक में दोस्तों एक डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, भारत में लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, भारत में मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, डेथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, चाइल्ड बर्थ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ना, और सेक्स रेशियो क्या है, ये सभी दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है। तो इसको आप लोग, मैं पढ़ा चुका था मैं आपको, जियोग्राफी का जब पार्ट 5 है उसमें है डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, वो लेक्चर आप जाके देख लीजिएगा तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और जियोग्राफी तो आपका कवर हो ही चुका है, तो जियोग्राफी में जो पार्ट 5 है वो कॉमन समझ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आप देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दो टर्म आते हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द बिग पिक्चर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्चुअली इकोनॉमिक में एक बड़े स्केल पे जब हम किसी चीज़ों को देखते हैं, इकोनॉमिक्स को बड़े स्केल पे देखते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। इसमें हम जैसे इम्पॉर्टेंट कंट्री, जैसे हम देश के बारे में सोचते हैं, कंट्री के बारे में सोचते हैं, जैसे कंट्री की जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कंट्री का ग्रोथ रेट है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़े चीज़ों को, इकोनॉमिक्स में बड़े लेवल पर इसको डिस्कस करते हैं। जब हम जैसे कंट्री की बात करें, वर्ल्ड की बात करें है ना, तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कंट्री के जीडीपी, कंट्री का जीएनपी, कंट्री का नेशनल प्रोडक्ट, कंट्री का ग्रोथ रेट, कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, इन सब चीज़ों के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों क्या होता है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस करते हैं, किसी एक पर्सन के लेवल पर डिस्कस करते हैं, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसी पर्सन के लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं या किसी कंपनी के लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हाउ बिजनेसेस एस्टैब्लिशेस प्राइसेस, हाउ टैक्स विल इंपैक्ट इंडिविजुअल डिसीजन, जैसे मान लो टैक्स लगाने से किसी एक इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ेगा है ना, सप्लाई और डिमांड का बीच को इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है ना, किसी कंपनी के बारे में उसका प्रॉफिट क्या है, उसकी कैसे इकोनॉमी चल रही है, उसका ट्रेड क्या है, तो किसी पर्सन या किसी कंपनी पे जब हम अपने लेवल को फोकस रखते हैं तो वो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। और जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं बड़े लेवल पे तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों आपको बता रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो दो टर्म है, इसको क्वाइन किया था, इसको दिया था रैगनार फिश ने। रैगनार फिश ने जो है ये इन दो टर्म को दिया था, और ये दो टर्म इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी इंडिविजुअल के लेवल पर डिस्कस करते हैं, हम किसी हाउस होल्ड लेवल पर डिस्कस करते हैं, मतलब परिवार फैमिली के रूप में है ना, हम किसी एक कंपनी के रूप में डिस्कस करते हैं। लेकिन जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है तो हम पूरे कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी जीडीपी क्या है, उसकी जीएनपी क्या है, उसका पूरा जो इकोनॉमिक बिहेवियर है उसको हम डिस्कस स्टडी करते हैं। तो ये अंतर होता है माइक्रो और मैक्रो में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रैगनार जो फ्रिश है ये सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाए थे इकोनॉमिक्स में, और इनके साथ जैन टिनबर्ग भी जो है 1969 में सबसे पहला इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ पाए थे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जो टर्म है, ये इन्होंने ही, ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने दिया था। दोस्तों मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट इज़ द एनुअल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, मतलब कि 1000 लोगों में से कितने लोग
मर जा रहे हैं, कितने लोगों का इंतकाल हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं मोर्टिलिटी रेट। मतलब 1000 लोग में कितने लोग मर रहे हैं तो उसे बोलते हैं मोर्टिलिटी रेट। और वो जो मर रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, वो चाहे किसी डिजीज़ से हो या फिर और भी कोई कारण हो, उससे मतलब नहीं है, बस कितने लोग का इंतकाल हो रहा है, कितने लोग डेथ हो रही है 1000 में से, उसे हम कहते हैं मोर्टिलिटी रेट। दोस्तों इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये सब जो टर्म है मैंने आपको पार्ट वन में पढ़ाया था, और पार्ट टू में जो टर्म पढ़ा रहा हूँ ये टर्म डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये डिफिनेशन दी रहेगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे अलग अटैम्प्ट रहेंगे, आपको टिक करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ले आऊँगा, आप उसके लिए परेशान ना हो, एग्जाम में अभी काफ़ी टाइम है, हम आपकी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बहुत चीज़ करा देंगे। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 लाइव बर्थ ड्यूरिंग दैट ईयर। दोस्तों समझिए बात क्या है, मान लीजिए 1000 बच्चे जिंदा पैदा होते हैं, 1000 बच्चे पैदा हुए, उन 1000 बच्चे में जो पैदा हुए उनमें से एक साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो गई। एक साल के जो बच्चे हैं, 1 ईयर के जो बच्चे हैं उनके, है ना, उनके अंदर मतलब कि एक साल के अंदर जितने बच्चे हैं उनमें से कितने की डेथ हो गई, उसे बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। मतलब कि 1000 बच्चे मान लो पैदा हुए, उनमें से 25 बच्चे जो है वो एक साल के अंदर ही डेथ हो गई, तो मॉर्टिलिटी रेट जो हुआ वो कितना हुआ, कितना होता है ये 25, क्या हुआ 25, समझ में आया ना। तो 1000 में से बच्चे पैदा हुए उसमें से कितने बच्चे एक साल के अंदर ही डेथ हो गई उनकी, उसे बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। मैटरनल मॉर्टिलिटी क्या होता है? मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स टू वुमेन इन द एज ऑफ 15 to 49 पर लाख वुमेन इन दैट एज ग्रुप। देखिए दोस्तों, एक लाख वुमेन में से कितनी वुमेन की डेथ हो जा रही है, और उन वुमेन की जो एज ग्रुप रहेगा वो रहेगा 15 से 49, तो उसे हम बोलते हैं मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट। मतलब 1 लाख वुमेन में से कितनी वुमेन की डेथ हो जा रही है, तो उसे बोलते हैं मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट। लेकिन जो एज ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 15 से 49। दोस्तों इस SEZ क्या होता है? फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, याद रखिएगा फुल फॉर्म, चाहे ये सब आपके कॉमन एब्रिविएशन में आ सकता है, CRR, SLR जो पढ़ाया था पिछली बार। और SEZ क्या होता है? देखिए SEZ होता है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ इज अ जियोग्राफिकल रीजन दैट हैज़ इकोनॉमिक लॉ डिफरेंट फ्रॉम अ कंट्रीज टिपिकल इकोनॉमिक लॉज। देखिए दोस्तों, पूरे कंट्री में अपने अपने इकोनॉमिक लॉ होते हैं, लेकिन जो हमारी सरकार SEZ बनाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, वहाँ के जो इकोनॉमिक लॉ हैं वो और दूसरे कंट्री के जो पार्ट हैं उन वहाँ के इकोनॉमिक लॉ से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। बेसिकली वो लॉ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो कंपनीज को थोड़ा रिलैक्स होता है। बेसिकली अगर SEZ में कोई कंपनी अपना व्यापार कर रही है, कोई कंपनी अपना फैक्ट्री लगा रही है, इंडस्ट्री लगा रही है, तो उसको तमाम तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। वो इसीलिए होता है ताकि जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो सके हमारे देश में, और हमारे देश में डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, तो वो इसी वजह से होता है ताकि कोई कंपनी को फ़ायदा मिले, वो आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो। ओके फ्रेंड्स, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों SEZ हमारे कंट्री में नहीं है बल्कि कई कंट्रीज़ में है, जैसे चाइना, इंडिया, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया, नॉर्थ एरिया में भी बन रहा है। तो SEZ इसीलिए बनाया गया है वो एरिया था वहाँ जहाँ पर कंपनियाँ इन्वेस्ट कर सकें, है ना, जो कि जिससे क्या हो, हमारे देश का डेवलपमेंट हो। दोस्तों जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया था 2005 के अंतर्गत बनाया जाता है। ये कैसा एक्ट था? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविथ। तो दोस्तों ये जो एक्ट बनाया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एस्टेब्लिशमेंट, उनके डेवलपमेंट, उनके मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था। देखिए दोस्तों कैसे हमारे इंडिया में पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बटे हुए हैं। दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज, ये सब ऐसे टर्म है दोस्तों कि आपने अपने डेली लाइफ में काफ़ी सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, सेंसेक्स कितना बढ़ गया, सेंसेक्स इतना डाउन हो गया। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड एट प्राइसेस गवर्न्ड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए दोस्तों,
होता क्या है कि बेसिकली ये एक मार्केट होता है, रेगुलेटेड मार्केट होता है। रेगुलेटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मार्केट को रेगुलेट करता है। और बताइए कौन रेगुलेट करता है मार्केट को, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी जो होता है वो इन सब मार्केट्स को रेगुलेट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि इस रेगुलेटेड मार्केट में जो सिक्योरिटीज होती हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शेयर्स हों, चाहे वो बॉन्ड्स हों, गोल्ड हों, इन सब को खरीदा या बेचा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इन सब को क्या होता है, खरीदा या बेचा जाता है। दोस्तों हमारे इंडिया में 5 जो है ये है स्टॉक एक्सचेंज हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़े 2 हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि मुंबई में है, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी दोस्तों मुंबई में है। 3 और है, जैसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ये कलकत्ता में है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, और है मेट्रोपोलियन स्टॉक एक्सचेंज। 2 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके फ्रेंड्स, बेसिक मतलब समझिए दोस्तों आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 मेजर जो है स्टॉक एक्सचेंज हैं। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी किसे बोलते हैं, दिस कंप्राइज द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ मनी और लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। दोस्तों ये बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का रिजर्व बैंक है, वो मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं है ना, उसको रेगुलेट करता है, मनी के फ्लो को रेगुलेट करता है। कितना मनी मार्केट में जाना है, कितना मनी मार्केट से उठाना है ना, इन सब को जो कंट्रोल करता है वो करता है रिजर्व बैंक। तो जो रिजर्व बैंक जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है इनको कंट्रोल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों वो जो इंस्ट्रूमेंट जो है जिनको रिजर्व बैंक यूज़ करता है मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, उसमें है जैसे दोस्तों इंटरेस्ट रेट, CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। दोस्तों ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, बस बैंक रेट मैंने आपको नहीं बताया था, बैंक रेट समझिएगा। बैंक रेट क्या होता है, इट्स द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। दोस्तों ये वो रेट होता है जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक्स होते हैं उनको लोन देता है। अब आप कहेंगे दोस्तों सर आप ये तो रेपो रेट भी था, रेपो रेट में भी जो बैंक्स होते हैं वो रिजर्व बैंक से जो है पैसा उठाते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों सेम होते हैं, अंतर क्या होता है, जो रेपो रेट और बैंक रेट में अंतर ये होता है कि जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बस इतना अंतर है। बैंक रेट जो होता है वो बड़े पीरियड के लिए लोन लेते हैं, और रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेते हैं। तो इससे ये है बैंक रेट, इसमें बैंक जो होते हैं वो इसे लेते हैं और फिर आपको उसी परसेंट पे देते हैं। देखिए इसे 10% पे लिया मान लो सेंट्रल बैंक से पैसा, और इस बैंक ने फिर आपको 10%, 11%, 12% के हिसाब से रेट दिया, तो इसको फ़ायदा होता है। दोस्तों फिसल पॉलिसी क्या होता है, देखिए दिस पॉलिसी इज मेनली यूज बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिसल पॉलिसी को यूज़ करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, जैसे टैक्स लगाना, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा आना है, कितना सरकारी कर्ज है, तो इन सब चीज़ों को जो डील करता है वो करता है फिसल पॉलिसी। दिस पॉलिसी डिसाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल वेलफेयर स्कीम्स विद इन द कंट्री। बेसिकली देश जो गवर्नमेंट को मान लो कोई डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाई, उस वो स्कीम लागू करने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो वो सब चीज़ें जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। तो गवर्नमेंट की 2 पॉलिसी होती है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, होता है फिसल पॉलिसी। तो फिसल पॉलिसी में टैक्स वगैरह डिस्कस होता है, कितना खर्चा आना है, और मॉनेटरी पॉलिसी में दोस्तों रेट्स डिस्कस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मनी का रेगुलेशन होता है मार्केट में। बजट डेफिसिट क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रिसीव। देखिए दोस्तों पब्लिक से कितना पैसा आया और पब्लिक में कितना पैसा खर्च होना है, उसके बीच को डिफरेंस को कहते हैं बजट डेफिसिट। तो देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रिसीव में अगर जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि पब्लिक खर्च ज़्यादा है और मिल कम रहा है पब्लिक से, तो क्या होगा, बाय डेफिसिट होगा। द गवर्नमेंट मीट द डेफिसिट बाय प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसीज और बाय बोरोइंग। दोस्तों मान लीजिए आपका खर्चा ज़्यादा है ना, और मिल कम रहा है, तो क्या करोगे, या तो 2 रास्ते हैं, या गवर्नमेंट नई करेंसी बनाए ताकि जो है इस खर्चे को इस जो है रिसीव से मैच कर सके, बैलेंस कर सके, या फिर गवर्नमेंट कहीं से उधार ले। तो ये तरीका है। देखिए दोस्तों जब आपका एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है बढ़ जाता है, और जो टैक्स से जो पैसा मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो इससे क्या होता है, डेफिसिट हो जाता है। इस डेफिसिट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट करती क्या है, कहीं से बोरो करती है, या फिर गवर्नमेंट जो है नई करेंसी को प्रिंट करती है।
देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी डिस्क्राइब द डिग्री टू विच एन एसेट और सिक्योरिटी कैन बी क्विकली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्राइस। दोस्तों लिक्विडिटी बेसिकली होता क्या है, मान लिया आपके पास कोई एसेट है, ऐसे मतलब आपके पास कोई संपत्ति है या फिर आपके पास कुछ भी रखा है, उसको आप मार्केट में कितनी जल्दी बेच दे रहे हैं या फिर खरीद ले रहे हैं, तो उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। जैसे कि आप ज़मीन मान लो लिए हो, तो ज़मीन को कैश में बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए आपको टाइम लगता है, उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए लैंड क्या हुआ, लैंड लेस लिक्विडिटी वाला है। लेकिन वही कैश है ना, आपके पास पैसा है, नोट है, तो उस नोट को आप तुरंत ही किसी को दे के आप उससे कोई सामान ले सकते हो, तो करेंसी क्या होता है दोस्तों, करेंसी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, करेंसी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, करेंसी को आप किसी को दे के आराम से तुरंत जो है सामान ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो एनी एसेट विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू कैश वेरी इजिली इज कॉल्ड मोस्ट लिक्विड। तो किसी एसेट को अगर जल्दी से आप बेच दे रहे हो, उससे आपको कैश मिल जा रहा है, तो वो ज़्यादा लिक्विड हुआ। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? देखिए, वो इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ साथ काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। जैसे इंडिया की इकोनॉमी क्या है, इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है। ठीक, एग्जांपल में जैसे हमारे यहाँ टीसी जैसे प्राइवेट कंपनी भी है और ONGC सरकारी कंपनी भी है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों मिक्स इकोनॉमी। इंडिया क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है, देखिए समझिएगा प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। अगर गवर्नमेंट किसी पब्लिक कंपनी में अपने शेयर को 51% या इससे ऊपर रखती है, तो वो कंपनी कहलाएगी पब्लिक सेक्टर कंपनी। और वही अगर जो गवर्नमेंट का शेयर 51% से कम है, 51% से कम है, तो वो कहलाती है प्राइवेट कंपनी। देखिए दोस्तों, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए इसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना है, 57%, इंडियन ऑयल में 52%, NTPC में 56% शेयर है, पावर ग्रिड में 55% शेयर है और भारत पेट्रोलियम में 55% शेयर है। इसलिए दोस्तों ये सब कंपनियाँ क्या हैं, सरकारी कंपनियाँ कहलाती हैं, क्योंकि सबका शेयर गवर्नमेंट का 51% से ऊपर है। ओके फ्रेंड्स, और वही का शेयर जो है ये 51% कम हो गया, जैसे अभी गवर्नमेंट डिस्कस किया था कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ONGC, BPCL, इनमें जो शेयर है 51% कम कर लेंगे। जैसे ही 51% कम शेयर आएगा दोस्तों, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, उसके सारे एम्प्लॉयज प्राइवेट एम्प्लॉयज हो जाएंगे। दोस्तों प्लास्टिक मनी किसे बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ मनी रिफर्स टू द जनरल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। जैसे जो आपके पास डेबिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड होता है, तो इससे आप क्या है, मनी का लेन देन कर सकते हो, तो दोस्तों इसे ही बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक मनी, बस टर्म समझिए आप। दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज CPI, आपने देखा होगा। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द मीटर दैट एग्जामिन्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, फूड, मेडिकल केयर एटसेट्रा। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो आपके सरकार आपको कोई सामान देती है, गुड्स देती है, या मार्केट में गुड्स हैं, सामान हैं, और आपको कुछ सर्विसेज मिल रही है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, आपको खाना मिल रहा है, हेल्थ मिल रही है, तो इन सब का पूरा दोस्तों एवरेज प्राइस क्या होता है, उसे ही बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो महंगाई भत्ता होता है ना, महंगाई भत्ता जो है निकालने में काम आता है। क्वेश्चन आता है कि जो आपके जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो तनख्वाह होती है उसमें DNS अलाउंस होता है, तो DNS अलाउंस जो निकालने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का काम आता है। दोस्तों जो ऑल इंडिया CPI होता है, उसको रिलीज करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये इसको रिलीज करता है। लेकिन जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर द्वारा निकाला होता है, उनका जो होता है वो रिलीज करता है लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, अंडर दिस मेथड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ होल सेल प्राइसेज। देखिए दोस्तों, जो बेसिकली गुड्स और जो आपको सामान मिल रहा है या फिर आपको सर्विसेज मिल रही है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिल रही है, रेलवे की सर्विस मिल रही है, तो होल सेल प्राइस पे मतलब कि कंज्यूमर तक जाने से पहले ही है ना, जो उसका प्राइस होता है उसे बोलते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स। जो हमारे देश में महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, वो इसी होल सेल प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों जो इसको रिलीज करता है वो करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको कैलकुलेट करता है WPI को। WPI दोस्तों होता है क्या, देखिए किसी फैक्ट्री से जब सामान जो है होल सेल में मिलता है, तो यहाँ इस स्टेज पर कैलकुलेट होता है WPI, और फिर जो सामान आप तक पहुँचता है उसे कैलकुलेट होता है CPI। ओके फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
अब दोस्तों बात करते हैं हमारे जो इंडिया इकोनॉमी है उसके फीचर्स क्या हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखिए दोस्तों, आपके चार ऑप्शंस रहेंगे जिसमें पूछेगा कि इंडियन इकोनॉमी का कौन सा फीचर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंडियन इकोनॉमी का फीचर क्या है। सबसे है लो पर कैपिटा इनकम। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में जो इंडिविजुअल है उनकी जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है। लो पर कैपिटा इनकम मतलब यह है, पर कैपिटा मतलब कि हर इंडिविजुअल की कितनी इनकम है, तो दोस्तों हमारे कंट्री में बहुत ही कम इनकम होती है। ओके फ्रेंड्स, डेवलप कंट्री मुकाबले हमारे कंट्री में क्या है, पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। हमारी जो कंट्री है इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 53% जो इंडिया का पॉपुलेशन है, 51% से ऊपर पॉपुलेशन हमारी जो है वो एग्रीकल्चर में काम करती है। और जो एग्रीकल्चर जो और अलाइड सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया या दुग्ध उत्पादन हो गया, पशुपालन हो गया, इसको ये जो है जीडीपी का लगभग 14% जो जीडीपी का यही शेयर करता है। मतलब जीडीपी जो है हमारे देश का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 14% जो है हमारा एग्रीकल्चर है। हमारे दोस्तों हमारे देश में ओवर पॉपुलेशन है, हमारे देश में इनकम डिस्पेरिटी भी है, मतलब कि जो रिच लोग हैं अमीर लोग हैं उन्हीं के पास ज़्यादा वेल्थ है, पैसा है। जो ज़्यादातर जो देश की वेल्थ है, देश का जो पैसा है वो ज़्यादातर अमीर लोगों के पास है, जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं उनके पास देश का बहुत कम पैसा है। ये इसे बोलते हैं इनकम डिस्पेरिटी। ये भी हमारी इंडिया इकोनॉमी का फीचर है। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों जो है हमारे देश में लोगों के पास पर कैपिटा इनकम बहुत लो होती है, इनकम बहुत लो होती है, तो इनकम लो होने की वजह से हम अपना कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पाते। ओके फ्रेंड्स, हम कुछ बना नहीं पाते, ज़मीन नहीं ले पाते, घर नहीं बना पाते बहुत से लोग। बैकवर्डनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये देखा गया है कि हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बहुत ही बैकवर्ड है। धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है लेकिन अभी भी फिलहाल डेवलप्ड कंट्री मुकाबले अच्छा नहीं है। 25% इंडियन फैमिलीज पास बिजली नहीं है, 97% जो है उनको साफ पानी नहीं मिलता है, 840 मिलियन पीपल जो है गंदगी से ग्रस्त हैं। तो ये चीज़ें हमारे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ख़राब करती है। ट्रेडिशनल सेटअप ऑफ सोसाइटी। दोस्तों हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वो काफ़ी अंधविश्वास में है, कास्टिज्म है उसमें है, है ना, मेल डोमिनेटेड है, अंधविश्वास है, है ना। हमारे अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, मैनेजर की क्षमता कम होती है, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे ग्रोथ कंट्री के ग्रोथ में एक हिंड्रेंस बनती है, कमजोरी बनती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और लेक्चर आएंगे इंडियन पॉलिटी के, कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी बहुत ही ईजी तरीके से समझा दें आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम में आरआरबी एनटीपीसी के अलावा एसएससी के एग्ज़ाम भी आपसे आराम से क्लियर कर लें, इंडियन इकोनॉमी में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।